स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ अपडेट के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे इंडियन नेवी को लेकर बात करेंगे, जहाँ पे इंडियन नेवी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है भारतीय वेंडर एलएनटी के साथ। और यहाँ पे एलएनटी इंडियन नेवी के लिए दो मल्टीपर्पज वेसल बनाने जा रही है, जो की बाय इंडियन कैटेगरी के अंदर आएगा। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की जो लागत है लगभग 887 करोड़ के अराउंड है। अगर आप यूजुअली ऐसे वेसल देखते हो तो उनका जो रोल होता है वो काफ़ी लिमिटेड होता है यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन यहाँ पे कुछ जो रोल है वो डिफाइन किया गया है इस वेसल के लिए, जो कि कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि जो एलएनटी का यहाँ पर डिजाइन रहने वाला है वो काफ़ी सिमिलर होगा फ्लीट सपोर्ट शिप की तरह, जिसको लेकर वो पार्टिसिपेट कर रहे थे रॉयल नेवी के कंपटीशन में। तो ठीक वैसा ही रहने वाला है ये शिप, जहाँ पे एलएनटी इसको अपने चेन्नई फैसिलिटी में बनाएगी और एक मल्टी रोल सपोर्ट फंक्शन के रूप में इंडियन नेवी में इस्तेमाल होगा। अगर यहाँ पर रोल की बात करते हो तो जो मैरिटाइम सर्वेलेंस है वो करने वाला है। कहने का अर्थ ये हो गया कि वो चीज़ करने के लिए जो मल्टीपल रेडार हैं वो दिए जाएंगे शिप पे, पेट्रोल मिशन करने वाला है और जो भी टॉर्पीडो होंगी उनके लॉन्च और रिकवरी का जो ऑपरेशन है वो भी ये शिप करेगा। इस शिप से कई तरह के जो यूएवी हैं वो ऑपरेट हो पाएंगे, जो अंडर वाटर टारगेट हैं यानी कि प्रैक्टिस टारगेट वो भी यहाँ से लॉन्च होंगे। एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इस्तेमाल होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए जो वेपन है वो भी यहाँ पे दिए जाएंगे। और वहीं पे जो वेसल होगा वो सक्षम होगा किसी भी शिप को टो करने में, और जो HADR मिशंस हैं ह्यूमैनिटेरियन मिशंस ये उसको भी करेगा। यहाँ पे शिप पे जो हॉस्पिटल की फैसिलिटी है वो दी जा रही है, और एक ट्रायल प्लेटफॉर्म के रूप में भी ये शिप इस्तेमाल होगा। मतलब नेवी के लिए जो वेपन बनेंगे उनका ट्रायल यहाँ से कंडक्ट होगा, और जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है एक बड़े मात्रा में वो भी ये पहुँचा पाएगा जो भी आपके आइलैंड टेरिटरी है वहाँ पे। तो यहाँ पे जो रोल है वो काफी वाइडर है किसी भी यूजुअल इस तरह के वेसल के कंपैरिजन में। तो ये एक इंडिकेशन है कि जो सिमिलैरिटी है वो वैसे ही रहने वाली है जिसको ये गारंटी पार्टिसिपेट कर रही थी रॉयल नेवी के कंपटीशन में फ्लीट सपोर्ट शिप को बनाने के लिए। तो जो डिजाइन स्ट्रक्चर है वो काफी हद तक वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी एक बड़ा डेवलपमेंट आप कहोगे, जहाँ पे इस तरह के वेसल को एक प्राइवेट प्लेयर के द्वारा आप इंडिजिनसली भारत में बना रहे हो और प्रोक्योर करने जा रहे हो। इसी में हम बात कर लेते हैं इंडियन आर्मी के बारे में, जहाँ पर इंडियन आर्मी ने जो एक इंटेंट है वो दिखाया है तकरीबन 700 से ऊपर जो ऑटोनोमस कॉम्बैट व्हीकल हैं उनको प्रिक्योर करने के लिए। इस बारे में हम एक प्रेस रिलीज लास्ट मंथ ही देख चुके हैं, जहाँ पे ये मेंशन किया गया था कि इस तरह के जो कॉम्बैट व्हीकल होंगे वो आर्मी के लिए MEK-2 कैटेगरी में बनाए जाएंगे। और फाइनली इस तरह के व्हीकल को प्रिक्योर करने के लिए जो अनाउंसमेंट है वो आर्मी ने किया है। यहाँ पे मुख्यतः दो वेरिएंट रहने वाले हैं ऑटोनोमस कॉम्बैट व्हीकल के। एक जो पहला वेरिएंट होगा जो ज्यादातर लॉजिस्टिक सपोर्ट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करेगा, ये पहली कैटेगरी हो जाती है। जो सेकंड कैटेगरी होगी वो कोर कॉम्बैट करने में सक्षम होगा, मतलब उसका जो वेपनाइजेशन है वो प्रॉपरली किया जाएगा। तो दो जो कैटेगरी है वो बनाई जा रही है, जहाँ पे जो सेकंड कैटेगरी है जो कि कॉम्बैट करने वाला है जिसके ऊपर वेपन होंगे वहाँ पे आर्मरिंग की जाएगी और सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए जो सिस्टम है वो दिए जाएंगे। अब यहाँ पे आर्मी का प्लान ये है कि उनकी जो भी मैकेनाइज इन्फेंट्री यूनिट है उन सभी में 3 यूनिट डाला जाए ACV के। और इस तरह के जो प्लान है वो आपको ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आर्मी भी फ्यूचर के वॉरफेयर को देखते हुए उस तरफ जा रही है। यहाँ पे अगर वेंडर्स की बात करोगे तो कई सारे जो इंडियन वेंडर्स हैं वो इस कैटेगरी में काम कर रहे हैं, जैसे कि कल्याणी काम कर रहा है 6x6 के कास्ट व्हीकल पे। उनका 4x4 इस कैटेगरी में ऑलरेडी इंडक्ट हो चुका है, जिसको आपने SAR ऑपरेशन करते हुए लास्ट मंथ देखा था एक अभ्यास के दौरान। इसी कैटेगरी में DRDO के व्हीकल हैं और कुछ प्राइवेट स्टार्टअप हैं जिन्होंने IDEX के अंतर्गत ये जो कैटेगरी है वो चुनी है और उस पर कुछ प्लेटफॉर्म बनाए हैं, जैसे कि सागर इंजीनियरिंग और डिफेंस मास्टर का सुरन। तो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म हैं वो आर्मी की ACV कैटेगरी में आएगी। इसी में हम बात कर लेते हैं STF मानिक के बारे में, जसको डेवलप किया DRDO के लिए GTRE ने। यहाँ पे इसके 10 और यूनिट बनाए जा रहे हैं, फैब्रिकेट किए जा रहे हैं। हम सभी अवेयर हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही एक जो पिक्चर है मानिक इंजन की वो सामने आई थी, जिसमें हमने ये देखा था कि वो जो पर्टिकुलर प्रोटोटाइप था वो फाइनल प्रोडक्ट आपको दिख रहा था। तो ठीक वैसे 10 और इंजन की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो शुरू की गई है, और उसके बाद जो इस्तेमाल होगा वो किया जाएगा निर्भय में। तो कुछ और जो टेस्ट है मानिक के साथ वो आपको देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।